लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें योगी सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें एक बड़ा फैसला तो यूपी के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अब ग्रुप सी और डी लेवल के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे। ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा अहम फैसला होने से अब आसानी से सरकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। यूपी कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी और कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे। इसके साथ ही एक खुशखबरी वेतन वृद्धि से भी जुड़ी हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा को एक बड़ी सौगात के रूप में 500 बेड का अस्पताल मिला है। यूपी कैबिनेट के फैसले, यूपी के सभी गौ और घौ यानी कि ग्रुप सी और डी कर्मियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के जरिए। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा का 500 बेड का अस्पताल बनेगा। आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर। 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्टी अस्पताल बनाया जाएगा। लखीमपुर में हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी दी गई। 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, इसके लिए 271 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। वेतन वृद्धि से एक दिन पहले रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को बरेली में फॉर्च्यूनर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी। ₹1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी लेगी सरकार, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने को मंजूरी। पहले 11,705 करोड़ रुपए की लागत थी, अब 13,005 करोड़ की लागत। बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी। साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी। ये 500 बेड अस्पताल जो ग्रेटर नोएडा का था, उसको चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जो हमारा संस्थान है उसको हस्तांतरित कर दिया गया, उस पर सहमति दे दी गई। नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है, वो भूमि, उपकरण और अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निशुल्क हस्तांतरित किया जाने पर मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क मिल जाएगा। इसका वर्तमान में संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। अभी तक जो ग्रेटर नोएडा का संस्थान करता था। दूसरा विषय है आईआईटी कानपुर के अंतर्गत 500 शैया युक्त सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी MMRT की स्थापना की जाएगी। इसमें ये 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल में 50 करोड़ रुपए देना है, 10 करोड़ रुपए साल। ये अपने आप में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। जल्दी स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जी। अब और अभी पूरा हो जाए। इसके अलावा एक प्रस्ताव है, ये लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किए जाने के संबंध में, जो पलिया में अभी तक हमारे पास हवाई पट्टी है उसके विस्तारीकरण के संबंध में ये प्रस्ताव माननीय मंत्री परिषद के द्वारा